तुला राशि वालों, 14 अप्रैल रविवार का दिन अद्रा नक्षत्र त्रिपुष्कर योग राहु का प्रभाव आपके लिए आज का दिन बड़ा शुभ दिन साबित होगा, क्योंकि आज आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गुरु आदित्य योग बन रहा है, जिसमें बृहस्पति और सूर्य की युक्ति हो रही है, जिसकी दृष्टि आपकी कुंडली के लग्न भाव पर है, जहां चंद्रमा की भी दृष्टि पर रही है। भाग्यशाली आप होंगे, चंद्रमा इस समय आपकी कुंडली के भाग्य भाव पर गोचर कर रहा है। जीवन में तेज गति से तरक्की का योग, धन संपत्ति लाभ का योग, सुख सौभाग्य का योग आज का दिन आपके लिए काफी लाभकारी दिन साबित होगा, क्योंकि आज राहु बुध शुक्र ये तीन ग्रह आपकी कुंडली में बेहतर स्थिति का निर्माण कर रहा है। अद्रा नक्षत्र का राहु बुध और शुक्र के साथ इस समय आपकी कुंडली में गोचर कर रहा है। शुक्र लग्नेश से बुध भाग्य का स्वामी है। लग्नेश और भाग्य का स्वामी जब राहु के साथ गोचर करता है और चंद्रमा मंगल के साथ नवम पंचम योग बनाता है और बृहस्पति के साथ सूर्य का गोचर होता है, तो किस्मत आपकी चमक उठती है। आज आपकी कुंडली के पंचम भाव में मंगल के साथ शनि का गोचर हो रहा है। त्रिपुष्कर योग है, अद्रा नक्षत्र है, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आज जीवन में अनेक प्रकार का सुख है, सौभाग्य लाभ और धन की प्राप्ति आप कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। परिवार की स्थिति आपकी बेहतर होगी, नई नौकरी नया रोजगार की प्राप्ति का योग बन रहा है। तुला राशि के जीवन में परिवर्तन के साथ तरक्की का योग, सुख के साथ धन का योग, भाग्य के साथ प्रयास की सफलता का योग, यानी जीवन में आज तरक्की उन्नति सौभाग्य सुख की प्राप्ति का सुंदर अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। बड़े भाग्यशाली आप हैं, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली में जो योग बन रहा है, हर प्रकार से आपके जीवन में सुख संपत्ति साधन संपन्न आपको बनाएगा। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शोभे, सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाएं, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। 14 अप्रैल रविवार का दिन, चैत माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 11:43 तक, उसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगा। अद्रा नक्षत्र में अति गंड योग में दिन आरंभ होगा राहु के प्रभाव के साथ। अद्रा नक्षत्र का स्वामी राहु इस समय आपकी कुंडली में शुक्र के साथ बुध के साथ गोचर कर रहा है। राहु का शुक्र के साथ गोचर करना आपके लिए काफी लाभकारी साबित होगा, क्योंकि आज शुक्र का बुध का राहु के साथ युक्ति बनाना और आपकी कुंडली के कर्म स्थान को प्रभावित करना जीवन में बड़ी उपलब्धि का योग बनाएगा। हर प्रकार के सुख संपत्ति का भोग करेंगे, तरक्की उन्नति अपने कर्म अपने मेहनत अपने परिश्रम से आप प्राप्त करेंगे। आज आपकी कुंडली का भाग्य भाव मंगल और शनि की दृष्टि से प्रभावित है, जबकि लाभ स्थान बृहस्पति और सूर्य की दृष्टि से। चंद्रमा आज आपके लग्न भाव को प्रभावित कर रहा है। दिन आपके लिए उत्साह उमंग को बढ़ाने वाला सुख संपत्ति देने वाला भाग्यशाली दिन साबित होगा, क्योंकि अमृत काल 3:16 आपके लिए काफी लाभकारी साबित होगा। त्रिपुष्कर योग भी है, तो जीवन में अनेक प्रकार के लाभ आप अर्जित करेंगे, बड़ी सफलता कामयाबी खुशखबरी की प्राप्ति भी होगी, आप भाग्यशाली भी होंगे। गुरु आदित्य योग बृहस्पति और सूर्य का एक साथ गोचर करना और चंद्रमा का मंगल के साथ नवम पंचम योग बनाना
आपकी जीवन की परिस्थिति को तेज गति से बदलेगा। सबसे अच्छी स्थिति आपकी कुंडली में बृहस्पति और सूर्य का एक साथ गोचर करना साधन संपन्न आपको बनाता है। सूर्य और बृहस्पति का योग शुभस्त स्थिति का कारक माना गया है, जो आपकी बुद्धि, ज्ञान और विश्वास को जगाता है। जीवन में तेज गति से आप तरक्की करते हैं। बृहस्पति के प्रभाव से शुभ प्रगति होती है, जबकि सूर्य के प्रभाव से सकारात्मक लाभ मिलता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी समय है। आज का दिन आपके लिए लाभकारी दिन है। जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा होगा। सूर्य के प्रभाव से नेतृत्व का गुण आपके अंदर आएगा, जबकि बृहस्पति के प्रभाव से सुख संपत्ति आपके जीवन में बढ़ेगा। धन आप कमाने में सक्षम होंगे और आपके परिवार की स्थिति पहले से बेहतर होगी। जब भी बृहस्पति सूर्य की युक्ति बनती है, मंगल का चंद्रमा के साथ नवम पंचम योग बनता है, आप बड़े प्रभावशाली हो जाते हैं। अनेक प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। नई नौकरी, शानदार जीवन और आपके मेहनत का बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होता है। ये समय आपके लिए विशेष तौर पर आपकी महत्वपूर्ण योजनाओं को गति देगा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति आप करेंगे। धन संपत्ति में वृद्धि होगी। उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कारोबार अच्छा रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में तरक्की देखेंगे। सकारात्मक परिणाम से उत्साहित होंगे। कार्य में सक्रियता बढ़ेगी। लाभ का योग मिलेगा। दिन आपके लिए बड़ा शुभ साबित होगा। अवसर आपके जीवन में बढ़ेंगे। अच्छे सोच का अच्छा परिणाम मिलेगा। कार्य की गति जब तेज होगी तो जीवन के प्रयास सफल होने लगेंगे। लक्ष्य पूरा होने लगेगा। कार्य की सक्रियता आपके जीवन में लक्ष्य साधने में आपको सफलता देगा। परिवार की स्थिति बेहतर होगी। बच्चों की तरक्की, जीवन में सुख और पारिवारिक जीवन में सुख शांति आपके मन के विश्वास को और मजबूती देगा। ये समय सूझबूझ से काम करने का समय है। जल्दीबाजी ना दिखाएं। हर काम को सोच समझ कर करें, मेहनत से करें, जोखिम से बचें, तो ये अवसर आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। सकारात्मक परिणाम से महत्वपूर्ण कार्य सफल होंगे। उत्साह से प्रभावशाली जीवन होगा। आपके जीवन में लोकप्रियता भी होगी। पद प्रतिष्ठा की वृद्धि भी होगी। मान सम्मान की प्राप्ति भी होगा। परिवार का समर्थन भी मिलेगा और आज आपके प्रबंधन अच्छे होंगे। प्रयास आपके फलित होंगे। आमदनी आपकी अच्छी होगी। इच्छित सफलता से बेहतर जीवन होगा। भाग्य की प्रबलता से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, यानी आपके महत्वपूर्ण कार्य सहजता से पूरे होंगे। शुभता का संचार चारों तरफ होगा। सफलता, कामयाबी जीवन में आपको और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाएगा। दिन आपके लिए लाभकारी दिन है। परिस्थिति में बड़े बदलाव होंगे। आपकी शक्ति को बल मिलेगा। मजबूती से जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। ये जो समय है सकारात्मक परिणाम लेकर आता है। करियर, व्यापार उम्मीद से ज़्यादा लाभ देता है और स्टूडेंट का जीवन उत्साह से भरा रहता है। प्रभावशाली आपका जीवन और अपने लक्ष्य की प्राप्ति आपके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आएगा। आपके मनोबल को बढ़ाएगा। आपके कार्य में सूझबूझ से बेहतर परिणाम पाने का सुंदर योग बन रहा है। दिन आपके लिए काफ़ी लाभकारी है। सुख देने वाला, सफलता, कामयाबी का योग बनाने वाला, अपने कौशल से जीवन में आगे बढ़ने का और लाभ की संभावना निसंकोच आपको आगे बढ़ाएगा। अनुकूल स्थिति आपके जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति में आपकी सहायता करेगा। नवग्रह की पूजा करें, हनुमान जी का दर्शन करें। आपके जीवन के समस्त कष्ट, विघ्न, बाधा अपने आप दूर हो जाएगा। आज आप
पश्चिम दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत न करें और राहु काल का विशेष तौर पर ध्यान रखें। शाम 5:10 से 6:46 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश न करें। आज राहु का शुक्र और बुध के साथ गोचर करना आपकी जीवन की स्थिति को और मजबूती देगा, आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगा। खुशी आपके जीवन में बढ़ेगी, सुख आपके जीवन में बढ़ेगा, शुभ कार्यक्रम आपके जीवन में होंगे और राहु के प्रभाव से अचानक ही तरक्की उन्नति का सुख भी मिलेगा और आप भाग्यशाली सौभाग्यशाली भी होंगे। तो बेहतर परिणाम तरक्की का योग, बेहतर संबंध आपके जीवन को और भी ज़्यादा सुखद बना रहा है। ये समय आपके लिए सफलता का है, धन संपत्ति लाभ कमाने का है, स्थिति आपके अनुकूल होगी और आपके लिए आज का दिन लाभकारी होगा। कोई नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सही समय है। अगर आप किसी नई काम को करना चाहते हैं तो ये शुभ समय है, जीवन की बाधाएं दूर होगी और आपके जीवन में तरक्की उन्नति सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आज आप धन भी कमाएंगे, सुख भी पाएंगे, स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। तो दिन आपके लिए मिला जुला कर भाग्यशाली दिन, शुभ फल देने वाला, जीवन में तरक्की उन्नति का योग बनाने वाला बेहतर दिन साबित होगा। आज दिन की शुरुआत 4:27 पर ब्रह्म मुहूर्त पर आरंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त 11:56, विजय मुहूर्त 2:30 आपके लिए खासा लाभकारी होगा, लेकिन अमृतकाल शाम 3:16 से समय तेज गति से बदलेगा और त्रिपुष्कर योग में जीवन में अपार सुख सौभाग्य की आप प्राप्ति करेंगे। राहु काल शाम 5:10 से 6:46 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश न करें। पश्चिम दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत न करें। आज आपके लिए लक्की कलर ग्रीन होगा और लक्की नंबर 9 होगा। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।